I'm about to speak up. You know what that means? Listen to my lyrics. You would come to know. I was born in a village called Lower Chin Han, located near the border of Indo-Myanmar. आज हम आपको एक ऐसी इमरजिंग स्टार की लाइफ बताने वाले हैं जो पता नहीं पूरे दुनिया के दिल अपने टैलेंट और थॉट से उड़ा सकता है और कितनों का उड़ा चुका है। हम बात करने वाले K4K-Kho की। K4K-Kho यूट्यूबर्स के लिस्ट में रिसेंटली अपनी जगह बनाने वाला बंदा। वैसे बंदे का असली नाम K4K-Kho थियांको है, पर इसे आप सेलिब्रिटी नेम कह लो या चैनल नेम, हम सब इसे K4K-Kho के नाम से ही जानते हैं। K4 किंग अरुणाचल प्रदेश के बीरप डिस्ट्रिक्ट में जन्मा एक मिडिल क्लास फैमिली का प्रिंस था। स्कूल्स में टीचर्स की कमी और कम एफिशिएंसी को देखते हुए K4 ने गुरुजी बनने की सोची। मैंने फैकल्टी नहीं चुन्नू मुन्नू यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को शुरू से ही अच्छी एजुकेशन देने वाले गुरुजी। नहीं सच में यार, अगर K4 जैसी मेंटेलिटी हर हिंदुस्तानी की होती तो क्या बात होती। जीटी और आईटीटी की जरूरत ही नहीं होती हमारे देश में। मगर आयरनी है कि हम K4 जैसे लोगों को इंडियन बाद में और चाइनीज पहले बोल देते हैं, और वो साइंटिस्ट और एक्टर्स जो दूसरे देश में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं उनको हम अपना अपना हमारा हमारा बोलकर मना रहे होते हैं। अब इन पर्सनल साइंटिस्ट और एक्टर्स के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। एनीवेज K4 की हिंदी बचपन से ही अच्छी थी और इंग्लिश सीखने का सजेशन उन्हें उनके डैडी नाजेन थियांको ने दिया। K4 के पहले से एक म्यूजिशियन थे, पर म्यूजिक उनका प्रोफेशन नहीं पैशन था। पेशे से वो एक पुलिस मैन थे और ईटानगर में पोस्टेड थे। सो वो अपनी फैमिली के साथ ईटानगर शिफ्ट हो गए बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। इंग्लिश सीखते सीखते ना जाने कब K4 को रैप म्यूजिक लिखने और सुनने का शौक चढ़ गया। उन्होंने अपने प्लस टू स्कूल में खुद का लिखा हुआ रैप म्यूजिक परफॉर्म किया जिसे सुनकर बच्चों ने कहा माशाल्लाह, पर टीचर्स ने उनका ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तब K4 को लगा कि यही वो काम है जिसके लिए वो बने हैं। लेकिन रुको, टर्निंग पॉइंट आना भी बाकी था और वो था रैप फायर 2015। अरुणाचल रैप फायर 2015। बड़े बड़े रैपर्स की भीड़ में न्यू और शाइनिंग K4 अपने मॉम से मजाक में बोल के आए थे कि जीत के आऊंगा, और पहली बार K4 के डैड K4 का परफॉर्मेंस देखने गए थे रैप फायर 2015 में अपने किसी फ्रेंड के साथ। 1000 रुपए ही थे उनके पास, इसमें से 500 रुपए की सिर्फ शो टिकट ही थी। उनके फ्रेंड ने बोला कि यार तुम्हारे बेटे का परफॉर्मेंस है तुम ही चले जाओ, और ये 500 रुपए अपने पास ही रखना, कुछ स्नैक्स वनैक्स भी लेना होगा। राइट हुआ और फाइट भी, एंड द विनर विद द हेरोइक परफॉर्मेंस K4। डैड की आंखों में आंसू थे और K4 थे और K4 खुशी भी थी बहुत ज्यादा। 30,000 रुपए भी मिले, पर फिर भी इंतजार था प्रोड्यूसर्स का स्पॉन्सर्स का जो नहीं मिले, और उसी के फ्रस्ट्रेशन में आके K4 ने उसी समय एक गाना लिखा स्ट्रगल। बहुत कम हो रहा था तभी K4 का एक ऑडियो गाना आई एम एन इंडियन सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल होने लगा और इसका वीडियो वर्जन बनाने का डिमांड आग की तरह फैलने लगी। स्पॉन्सर्स और प्रोड्यूसर्स ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई एंड K4 और उनके फ्रेंड्स जो थे बेंगी अमोटो नयाबो एड सोलोमोन संगचोजू जो हर वक्त उनके साथ है और बहुत ही खूबसूरती से इस वीडियो को शूट प्रोजेक्ट और ब्रॉडकास्ट कर दिया, और फिर जो ये वीडियो चला उसने K4 को अरुणाचल का ब्रांड बना दिया। लीडिंग न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स पर K4 हेडलाइन बन गए। आई एम इंडियन गाने में K4 ने रेसिज्म की बात की है पर मैंने इंडिया का जिक्र किया है। इस गाने से न सिर्फ K4 ने अपनी पहचान बनाई बल्कि हमें हर बात पर बांटने वाले पॉलिटिशियंस और अपनों को चाइनीज कहने वालों को मिरर भी दिखाया है। तो बस यार यही थी K4 की कहानी, यही था K4 का सफर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।